जैसा आप बोलेंगे, जैसा आपने देखा है, जैसा आपने सुना है, वैसा ही आपका आउटपुट होगा, आपका कहना वैसा ही होगा। तो मन को विशुद्ध करना है, मन से मुक्त होना है, तो पहले तो भद्रम करणेर भी श्रेणुयाम देवा भद्रम पश्येर्मा क्षगर्य चत्राहा स्थिरे रंगे स्तुष्टुबागुसस्तनूर विर्वशे महिदेव हितंजदायु। ये कर्मकांड का श्लोक, मगर उसमें क्या कहा, भद्रम पश्ये भद्रम करणेर भी, आपके कान से भद्र यानी कि कल्याणकारी शब्दों को सुने, अकल्याणकारी का त्याग करें। क्या त्याग नहीं कर सकते तो दो कान दिया है ना, बाईपास सीधा सीधा, कई बार हम निकल नहीं सकते, सुनना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि सुनने के लिए जरूरी नहीं कि सभी कुछ उतार दो, मुंह में एक बार गया तो आपको खाना पड़ेगा, मगर कान के लिए व्यवस्था है। एक हाथ 180 डिग्री में है और एक कान 180 डिग्री में है, तो दोनों चीज को यदि डाउटफुल है तो यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से सुना, यहां से निकाला। और ज्यादातर हमें सुनना नहीं आता है, यदि हम श्रवण हमारा सुधर जाए, सुनना सुधर जाए, और सुनने में बुद्धि अपनी टांग लगाती है, हमने सुन लिया तो बुद्धि महारानी आ गई, उन्होंने ऐसा बोला महाराज ने या तो सामने वाली व्यक्ति ने सीधे सीधी बात की, मगर बुद्धि, वो बुद्धि कौन सी बुद्धि, कुंठित बुद्धि या तो दूर बुद्धि, जो हमेशा दूसरों के दोष देखती है, दुर्बुद्ध हो गई है, कनिष्क है, वो ऐसी बुद्धि जो उन्होंने सुना उसको एक्सपर्ट एडवाइस देती है कि वो उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा बोला, तो सीधी बात को भी ये बुद्धि टेढ़ी कर देती है। मन ऐसा भयंकर भयंकर सबसे भयंकर कोई चीज है तो मन है, मगर मन को अभी तीसरा श्लोक दूसरा श्लोक, मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर योपेस्ताम स्ते बे युक्त तमाम। निरंतर भजन स्मरण और ध्यान श्रद्धा युक्त करने से मन थोड़ा शांत होता है। निरंतर हम तो हफ्ते में एक बार या तो 15 दिन में एक बार या तो महीने में एक बार, ये मन को मनाना है तो यदि निरंतर आपको उनसे पीछा छुड़ाना होगा, 2-4 महीना छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। जैसे कोई उसको हैबिट हो गई तो उसको एक 365 डे कंप्लीट उनसे दूर रखना पड़ेगा, तब जाके मन थोड़ा शांत। तो यह एक श्लोक में बताया कि यदि आपकी मन और बुद्धि परेशान करती आगे आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, और सबसे ज्यादा खेल बुद्धि का है और मन का है। श्लोक 3 और 4, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च फुटस्थ मचलम ध्रुवम सन्नियंद्री यमंग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरता। जो इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इंद्रियों को वश में रखना का मन का है, मगर मन ही हमारा हाथ में नहीं है तो इंद्रिय हमारे हाथ में नहीं रहेगी। और जो निरंतर अचल अविनाशी निराकार को एकात्म भाव से सभी विग्रह का दर्शन करेंगे मगर उनमें भेद नहीं आएगा, एकात्म आखर तू एक ही है ऐसा नित्य भाव होगा, सभी भूतों के प्रति हित में रहने वाला। भक्त की व्याख्या क्या कही गई, पानी है, पंचभूत है ना, भूत कितने हमारे 5, तो सभी भूतों के प्रति हित करने वाला। भक्ति योग की प्राप्ति कैसे होगी, भक्ति कैसे प्राप्त होगी,
न द्वेषोस्ति न प्रिय। वो कहीं पे पर भूतों का भी संहार नहीं करेगा, भूतों को दूषित भी नहीं करेगा, और सभी भूतों के प्रति हित में रहने वाला, सभी के प्रति समभाव रखने वाला। हम समभाव तो रखते हैं, मगर हमारे जो होते हैं उनके प्रति, दूसरों के प्रति नहीं। या तो हमारा गुजरात का नरसिंह मेहता बोलता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव यानी भक्त। यह नरसिंह ने वैष्णव बोला, मगर यही भक्त के लक्षण है। वो किसी के दुख को देखता है, सिर्फ माला जपता है, भगवत स्मरण करता है, वो तो सही है, मगर अपने संसार में, अपनी निजी जिंदगी में कहीं पर उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति दुखी है, तो उनके दुख को पूर्ण जानने का प्रयास करेगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने, दूसरों की पीड़ा को जानने का यथार्थ प्रयास करे। चलो हमने टीवी में देख लिया, न्यूज़पेपर में देख लिया कि ये लोग बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, तो हम विष्णु वैष्णव हो गए नहीं। ये फर्स्ट स्टेप आपने जाना। सेकंड स्टेप, पर दुखे उपकार करे। यथाशक्ति यथामति भगवान ने हमको जितना दिया है उसके अनुसार उनके दुखों को दूर करने का यथार्थ प्रयास करें। चलो भगवान ने हमको खूब दिया है, हमने दे दिया, मिलियन में दिया, 10-20 मिलियन दे दिया, यहां तक पूर्ण वैष्णव नहीं बने। हम क्या करते हैं, दिया 1 मिलियन, 1.5 मिलियन का ढंढेरा टिपा। लोगों को पता चलना चाहिए, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमने किया, वो पता कैसे चलेगा। जैसे हमने दिया, हमने मार्केट में खबर चलाई कि हमने इतना दे दिया, तो जो दान का पुण्य था वो आपको प्रसिद्धि के रूप में मिल गया। लोगों ने वाह वाह कर दिया, आपकी वाह वाह हो गई और समाज प्रभावित हो गया कि भैया तो बड़े आदमी है। बस यह फल सीमित हो गया, ये फल मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, सिद्धि मिल गई। फिर बाद में पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। किसी के ऊपर उपकार करे, किसी को दे दे, किसी का कल्याण कर दे, किसी का मंगल कर दे, उसके बाद भी वो किसी को बताए नहीं कि मैंने उसका कल्याण किया, या तो मैंने उसका काम किया, या तो मैं उसको जिमा रहा हूं, या मैं उसको चला रहा हूं। और भगवान की सिंपल व्याख्या है, कोई बोले भगवान मिल गए तो भगवान कैसा होता है, उत्पत्ति स्थिति लाइफ। ये तो हम भी करते हैं, उत्पत्ति, ये तो ये माइक बना लिया, उत्पत्ति स्थिति उसको हम संभाल के बैठे हैं, लाइफ एक दिन आएगा उसको तोड़ देंगे या तो फेंक देंगे। तो मगर हमारे और भगवान के बीच में फर्क क्या है, भगवान उत्पत्ति करते हैं और हम उत्पत्ति करते हैं। हम जैसे उत्पत्ति करते हैं, हमने ब्रांडिंग कर दिया, मेड बाय सो एंड सो, यानी कि उत्पत्ति के साथ हमारे अंदर मोह जन्म लेता है, इसके प्रति मोह होता है। भगवान को संसार में कहीं पर मोह नहीं, इसलिए कहा कि कैसा बनना है, निर्वाण मोहा। भगवान को पूरी सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये ब्रह्मांड हम ये जो निहारिका में रहते ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड, वो करोड़ों की गिनती नहीं हो सकती, इतने करोड़, यानी कि इंफिनिटी करोड़, अनंत कोटि, तो उनको मोह नहीं, हमको मोह होता है। स्थिति यानी संभाल रखना, हम संभाल रखते हैं, हम कुछ चला लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हम सो इन सो, ये तो हम मैं कर रहा हूं, परिवार को भी मैं चला रहा हूं। अरे तू खुद अपने पैर पे नहीं चल सकता तो परिवार को तू कैसे चलाता है। कई बार किसके भाग्य का हमारे घर में आता है हमको पता नहीं होता। आप किसी गांडा को, पागल को देते हैं ना, तो उसके भाग्य का भी आपके जीवन में आता है। तो
संभालते हैं तो हमको अहंकार आता है। भगवान को पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाते हैं, कीड़ी को कणी और हाथी को मणि, कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण, भगवान सबको प्रोवाइड करते हैं, मगर उन्होंने कभी हमको बिल नहीं भेजा कि सन टैक्स वाटर टैक्स, ये सन तो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, मगर ये गवर्नमेंट ये भी भेजेगी कि आप कितना घंटा बाहर रहे थे, पानी तो आ रहा है, पानी का ऑक्सीजन वाला भी आएगा, हमारे मुंबई साइड तो ऑक्सीजन बूथ शुरू हो गए, हवा पानी आकाशमय, आकाशमय है ना, अपना फ्रिक्वेंसी छोड़ना है तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, परमिशन चाहिए। तो भगवान निरहंकार है, उसको अहंकार दी, व्यक्ति चलाता है तो अहंकार है, और हमारे से नष्ट होता है या तो नष्ट करना होता है तो दुख होता है, जबकि पूरा विश्व खत्म कर देते हैं नटराज राज नमो नमः, विश्वम युगावदे वटपत्र एकम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान पीपल के पत्ते के ऊपर बालकृष्ण का रूप लेकर अंगूठा अपने मुख में लेकर पूरी सृष्टि को जमीन दोस्त पानी में गरकाव कर देते, मगर वो स्वरूप भी कैसा है, जैसे अष्टपटराणी के बीच में व्यंग करते हैं वैसा ही स्वरूप, उनके चेहरे पर लकीर नहीं दिखती कि भगवान दुखी, और हमारे से कुछ नष्ट हो जाता है या तो हमारा छूट जाता है, कोई ले लेता है तो हमें दुख होता है। भगवान उत्पत्ति स्थिति और लय में किसी को किसी भी प्रकार से न उत्साहित होते हैं, न अभिमानित होते हैं और न उसको दुख होता है। हम वैष्णव बने, सच्चे वैष्णव बने और सभी भूतों के प्रति हमारा अनुराग रखें। फिर बाद में सबसे ज्यादा 12वें अध्याय पे मन के ऊपर खूब थोड़ा मारा है, 12वां अध्याय अभ्यास करना शांति से। क्लेशो अधिकरस्तर तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुःखं देहवद भिरव्याप्यते। यानी कि निराकार ब्रह्म में मन को पिरोना, कल हमने बात की थी, यदि मन आपके कब्जे में नहीं तो किसी खिट्टी से बांध दो, संसार मा सरसो रहे मन रहे मारी पास, संसार मा ले पाई नहीं ए झाण मारो दास। जो चीज ज्यादा परेशान करती, बच्चा बहुत हैरान करता तब क्या करते, बोर्डिंग में डाल के आते ताकि वो उनसे छुटकारा मिल जाए। तो मन ऐसा बंदर है जो हमको शांति से बैठने नहीं देगा, जपने नहीं देगा, तो उसको भगवान के अंदर पिरो दो, निराकार ब्रह्म में मन को पिरोना लगाना। मगर यह क्रिया करने में परिश्रम ज्यादा होता है, मन वैसे ही इनविजिबल है, कब छटक जाता है कब कहां लग जाता है, और मन की अवस्था को सिद्ध करने के लिए अहंकार आता है। जिसने मन जीत लिया वो महात्मा हो गया या तो वो भगवान हो गया। तो मन को जितना देहाभिमानी, उसमें देह का अभिमान आ जाता है कि मैंने मन को जीत लिया, और अव्यक्त है मन, व्यक्त है तो यदि खिली लगा दे, मगर प्रत्यक्ष न होने के कारण, अप्रत्यक्ष होने के कारण मन के ऊपर हमारी ट्रीटमेंट, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, इसलिए मन से हमको दुख होता है, और हम जो चाहते हैं वो मन नहीं चाहता, और मन जो चाहता है वो हम नहीं चाहते, इसलिए दुख का कारण मन बनता है। इसलिए निर्गुण की उपासना कठिन है, वैसे तो कुछ चाहिए नहीं, निर्गुण में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मानना है, मगर कैसे माने, हमारा मन मानने को राजी नहीं है, और अहंकार ये मन की बाय प्रोडक्ट है। अहंकार कैसे आता है, ऐसी क्या जीवन में घटना हो जाती है, कुछ हमने पा लिया, अरे हमने अच्छे जूते ले लिए,
तो हमारा जैसा किसी का जूता नहीं। ये अभिमान है, अहंकार है, वो भगवत प्राप्ति के बीच में चुनी हुई बड़ी से बड़ी दीवार है। और जिसमें भी अभिमान आया उसका पतन होगा। जबकि आप वहां तक पहुंच गए, नजदीक है, सामीप्य में, सानिध्य में, मगर जैसे अहंकार आता है और आप वहां पहुंचेंगे तो अहंकार आएगा आएगा आएगा, क्योंकि आपका सामर्थ्य बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, कृपा बढ़ी, जैसे ही कुछ हो जाते हैं तो अहंकार आ जाता है। उसका एक उदाहरण शिव महापुराण से निकाले कि भगवान शिव के ससुर जी दक्ष महाराज, उनको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष क्यों बनाया? ऐसे नहीं था कि दक्ष महाराज बहुत बड़े हैं, मगर भगवान शिव के ससुर जी तो उनकी हाजिरी होती है तो हम अध्यक्ष बने, देवता सोचे कि अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही वो अध्यक्ष बने तो तुलसी ने एक चौपाई लिखी कि नहीं को अस जन्म।